क्या खूब कहा है, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको नए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा सूर्य भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को समाज में इस कार्ड से मिलता है मान सम्मान। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि बुरे समय में इंसान की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति भी संकट में उलझ कर सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। इस संदर्भ में चाणक्य एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संकट से गिरे हुए इंसान का उसी तरह विवेक शून्य हो जाता है जिस तरह स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए भगवान राम हो गए थे। ये जानने के बाद भी कि स्वर्ण मृग नहीं होते, वे उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अर्थात बुरे समय में बुद्धिमान लोग भी अनुचित कार्य कर बैठते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार भवन की छत पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार ऊंचे आसन पर विराजमान व्यक्ति मान नहीं होता है। मानता के लिए इंसान में सद्गुणों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे वो नीच कुल में जन्म लेकर भी समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। धन और श्रेष्ठ गुणों में से चाणक्य ने सद्गुणों को अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कहा है। वे कहते हैं कि समाज में सद्गुणों से इंसान का सम्मान होता है, इसके लिए प्रचुर धन का होना या ना होना कोई मतलब नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद के स्थान पर द्वितीया का छोटा चांद पूजा जाता है, उसी प्रकार सद्गुणों से युक्त इंसान निर्धन एवं नीच कुल में संबंधित होते हुए भी पूजनीय होता है। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लकी नंबर है 8। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक तौर पर फायदा होगा आपका। गर्म जोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेगी। आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी। ऐसे लोगों से जुड़े जो स्थापित हों और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हो। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना आपको वैवाहिक जीवन उदासी की तरफ ले सकता है। अपने कार्य का विस्तार करने का मौका आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण फिलहाल इस मौके का फायदा उठाना संभव नहीं होगा। आपको अपने काम के द्वारा आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो रही है, इसलिए परिवार से संबंधित जो भी तकलीफ है उनको पहले सुलझाने की कोशिश करें ताकि भविष्य में आपकी प्रगति के लिए ये बाधा ना बने। ऑफिस में दूसरों के मामले में ना उलझे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कार्य प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है। इस समय अनावश्यक खर्चों की अधिकता की वजह से कुछ तनाव की स्थिति भी रह सकती है। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार अभी लाभ नहीं होगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ती रहेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। नौकरी और बिजनेस में भी फायदा बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। पृथक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आपकी मित्र मंडली में बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक ठाक नजर आ रहा है। आपके रिश्तों में खुशियां बढ़ने के आसार है। प्रेम जीवन अच्छा चलेगा। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना रहे, वरना आलस के साथ साथ मोटापे में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पैसा लोगों की जॉब सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक मुद्दों के लिए अवधि श्रेष्ठ साबित हो सकती है। पैसे की कमी आपको महसूस नहीं होगी। व्यापारी अपने बिजनेस से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। लाभ कमाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वे सफल भी हो जाएंगे। और दोस्तों कन्या राशि वाले आज कीमती वस्तु संभाल कर रखे हैं। दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। थकान व कमजोरी महसूस होगी। आय में निश्चितता रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। निवेश सोच समझ कर करें। राज्य भी रहेगा। पानी पर नियंत्रण रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। यात्रा में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आय का दिन आपके लिए उन्नति भरा रह सकता है। उदास महसूस कर रहे लोगों को करीबियों से मिलने की जरूरत है। नव विवाहित जोड़े थोड़े समय के लिए एक दूसरे से दूर अलग हो सकते हैं। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने रिश्ते की किसी की कमी की दूर करने की कोशिश करते नजर आएंगे। धन लाभ के लिए आज आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। नई पार्टियों के साथ संपर्क बनेंगे तथा व्यवसायिक स्तर पर कुछ नए अनुबंध मिलेंगे। युवाओं को कल्पना की दुनिया में समय नहीं गंवाना चाहिए। आपको दिन में बाद में सिरदर्द हो सकता है। सोने से कम 1 घंटे पहले बिस्तर पर जाकर और अपना फोन बंद करके अच्छी रात की नींद लें। युवाओं को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। लंबी यात्रा पर निकलने से पहले आपको अपने वाहन की जांच कर लेनी चाहिए।
पैसों की स्थिति में जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है। इनकम बढ़ाने के कुछ नए मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे आप खुद भी हैरान हो सकते हैं। हाल ही में कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं। आप अपनी पसंद या मन मर्जी के कामों के लिए उत्सुक रहेंगे। जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उससे आपको फायदा जरूर होगा। आज अपनी सोच पॉजिटिव रखें और काम करने के तरीके में बदलाव करें, सब ठीक हो जाएगा। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का योग बना हुआ है, साथ में पदोन्नति के भी आसार बने हुए हैं, परंतु सरकारी कामों में थोड़ी अड़चन आ सकती है। आपके वाहन या घर खरीदने का संयोग बन चुका है, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। आप आज का दिन अपने पुराने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं, परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे और घर का वातावरण शांति में रहेगा। अपने प्रियतम के समक्ष प्यार का इजहार करने के लिए समय उपयुक्त है। आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहेगा, उद्यमियों के लिए दिन आगे का सफर रहेगा, बेहतर व्यापारी प्रस्तावों के अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। वित्तीय दृष्टिकोण से दिन आपके लिए अनुकूल है, आपको आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आज आप तरोताजा और तंदुरुस्त होने की खुशी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी कसरत प्रणाली में स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार का सेवन अति आवश्यक है, मसालेदार और तेलयुक्त भोजन से परहेज करें। आज आप काफी फुर्तीले और आतुर रहेंगे, आपका उपजाऊ दिमाग दिन भर विचलित रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए यात्रा संभावित है, अपने दस्तावेजों और सामान पर अधिक निगरानी रखें। पारिवारिक सहयोग आपके लिए मंगलप्रद साबित होगा, अतः आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उनकी सलाह अवश्य ले लें। पिछले कुछ समय से चल रही थकान भरी दिनचर्या से आए रात पाने के लिए कुछ ज्ञानवर्धक व रोचक साहित्य को पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे। साथ ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। ध्यान रखें, किसी कानूनी पर्चे में फंस सकते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। कोई भी बड़ा निवेश करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें तथा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित ही रखें। ये दिन कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। छाया ग्रह केतु आपके छठे भाव में मौजूद है, जो रोग ऋण और शत्रु का भाव है। वही शनि अष्टम भाव में स्थित है, जो आयु का भाव होता है। दोनों ग्रहों की स्थिति किसी गंभीर रोग के शुरू होने के संकेत दे रही है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, बृहस्पति के बकरी अवस्था में अष्टम भाव में प्रवेश करने से स्थिति थोड़ी और खराब हो सकती है, रोग में वृद्धि हो सकती है, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। मन में ऐसी धारणा ना पालें और डॉक्टर से परामर्श करने में हीला हवाली ना करें। सेहत ठीक नहीं रहेगी तो किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आए रविवार सूर्य भगवान का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्ची मन से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यह का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।